की राहें, तो देखते रहिए तेज निगाहें ऑनलाइन न्यूज। राजधानी दिल्ली के यमुना विहार स्थित सेंट मोरल पब्लिक स्कूल में नेत्र दान संकल्प व नेत्र ज्योति जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 101 लोगों ने आंखों की जांच कराई व 49 लोगों ने नेत्रदान संकल्प पत्र भर कर अपनी आंखें दान की, जिससे कोई नेत्रहीन व्यक्ति उनके न होने के बाद उनके द्वारा दान दी गई आंखों से इस सुंदर दुनिया को देख सके। आप तस्वीरों में स्वयं देख सकते हैं कि नेत्रदान संकल्प पत्र इलाके के लोग स्वयं इच्छा से भर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जीते जी उनकी आंखें दान दी जाएं तो हमारे मरने के बाद हमारी आंखें किसी की जिंदगी में रंग भरने का काम कर सकती हैं। हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से जो है कार्यकर्ता हैं उसके, और संगठन ने पिछले 3 सालों से ये संकल्प लिया है कि हम दिल्ली में जो अंधता है कॉर्निया की वजह से, और जो वेटिंग लिस्ट है, तो 2018 तक हम जो उस वेटिंग लिस्ट को है वो नेत्रदान जनजागरण करवा करके और कॉर्निया दिल्ली में इतना उपलब्ध करा देंगे कि कम से कम उसकी वेटिंग लिस्ट जो है वो ख़त्म हो जाए दिल्ली से, और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष को जो है हम कॉर्निया की वजह से जो अंतम है वो हम उसको प्रदान कर सकते हैं। कॉर्निया प्राप्त होते हैं पूरे साल में, तो एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जो लोग वहाँ रजिस्टर्ड होते हैं उन लोगों को लाइन से लगभग एक व्यक्ति 6 लोगों को जो है दृष्टि प्रदान करता है। तो इस तरह से जो है एक सिस्टम चलता है। डायरेक्ट कोई हमसे कहे कि भी मुझे आँख चाहिए तो ऐसा संभव होता नहीं है। एक सिस्टम है, उसी के तहत जो है आँखें दी जाती हैं लोगों को। तो बहुत बड़ा गैप है, 46 लाख लोग और कहाँ 42,000 सिर्फ, वो भी शवों से और जो डोनेट करते हैं। तो एक जन जागरण अभियान ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा सभी जगहों पे पूरी दिल्ली में चलाया गया है 5 तारीख से और 17 तारीख तक। इस तरह के शिविर उन लोगों के लिए वरदान सिद्ध होते हैं जिनका जीवन नेत्र न होने की वजह से अभी तक अंधकार में था, और किसी के द्वारा किए गए नेत्र दान से उनकी जिंदगी में रोशनी आ सकती है। गीता वर्मा की रिपोर्ट, तेज निगाहें दिल्ली।